हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियोज़ में हम सेंटअप एग्ज़ाम 2025 आर्ट्स वाले स्टूडेंटों के लिए पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके आंसर की बता रहा हूँ। 100% सही होगा, 101% सही है। वायरल क्वेश्चन पेपर का आप सब देख लीजिए, परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, संभावित प्रश्न हम लेकर आए हैं। यहाँ वीडियो देखने के बाद कहोगे वाह मज़ा आ गया। तो सभी लोग पॉलिटिकल साइंस के परीक्षा देने से पहले 100 प्रश्न हैं जिसमें से आपको 50 को टिक करना है, ठीक है ना, 100 में से 50 को। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एक लाइक हमारी हौसला अफजाई कर सके। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है, लिखा है कि इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है, 1 का सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था। तो दूसरा का क्वेश्चन का सही जवाब है इंदिरा हटाओ। तीसरा है किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटी में रखा जा सकता है। तो 3 नंबर जो सवाल है इसका सी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 4 नंबर है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर होगा। तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। 5 नंबर क्वेश्चन है संविधान निर्माणी सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 5 का आपका बिल्कुल ए सही है, जवाहरलाल नेहरू। 6 नंबर है 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो 6 का आपका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, है ना। 7 नंबर है संविधान निर्माता सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर आपका सही जवाब डॉक्टर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। 8 नंबर क्वेश्चन, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो इसका आपका बिल्कुल बी सही है, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो 9 का आपका बिल्कुल ही राइट आंसर सी हो जाएगा, 6 को मौलिक अधिकार प्राप्त है। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो 10 में आपका डी हो जाएगा। 11 है कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण है जो है 11 में आपका सही जवाब ये होगा, अमेरिका से लिया गया। 12 है कि वयस्क मताधिकार का तत्पर्य क्या है। तो वयस्क मताधिकार का तत्पर्य है 18 वर्ष के वयस्कों का मताधिकार। तो 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। तो 13 में आपका सही जवाब सी होगा, लोकसभा। 14 है प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है। तो 14 का बी होगा, संघात्मक सरकार, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो 15 में आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। 16 है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष के आयुक्त तक, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। 17 है भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति होते हैं, इनका नियुक्त होता है। 18 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। तो अनुच्छेद आपका 61, ठीक है ना। 19 नंबर है कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है। तो 19 में आपका सी ऑप्शन सही होगा, ब्रिटिश महारानी के समान, ओके। 20 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो राज्यसभा के अगर हम सदस्य बनना चाहते हैं तो आयु 30 वर्ष से कम ना हो। 21 है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो 21 में आपका सही जवाब होगा बी, उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है। 22 है राज्यसभा के कोरम के लिए निर्वाचित निर्धारित संख्या है। तो 22 में हमारा सही जवाब ए होगा, 25। 23 है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है आपका ए ऑप्शन है, 552 हो सकती है अधिकतम। 24 है कि राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है। तो 24 में हमारा सही जवाब सी है, उपराष्ट्रपति पदेन होता है राज्यसभा के। 25 नंबर सवाल है कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है। तो ये भी 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। 25 का आपका डी हो जाएगा। 26 है 73वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। अनुसूची, तो 26 में हमारा सी ऑप्शन 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 27 नंबर क्वेश्चन है विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। तो विधानसभा का अगर सदस्य हमें बनना है तो कम से कम हमारी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। 28 है किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा, विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य,
तो विधानसभा के अधिकतम जो है आपका सी ऑप्शन है 500 सदस्य। 29 है विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र, तो ये आपका विधान परिषद है ना, परिषद है तो 30 वर्ष, सभा रहे तो 25 वर्ष, ठीक है। तो 29 का आपका डी ऑप्शन सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, तो 30 में हमारा सही जवाब जो होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 249। 31 है भारत के संविधान में पहला संविधान सभा किस वर्ष हुआ, तो 31 के हमारा सही जवाब ए होगा 1951 में। 32 है कि संविधान के विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए, तो 32 में हमारा डी हो जाएगा 5, ठीक है। 33 है कि बलवंत राय मेहता समिति परिवर्तन पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया, तो 33 में हमारा सही जवाब जो होगा सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय। 34 है कि निम्नलिखित में किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था, तो 34 में हमारा सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा DMK। 35 है बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष में हुआ था, तो यहाँ आपका 35 में सही जवाब जो है सी ऑप्शन 1992 में। 36 है कि भारत संघ का अवशिष्ट अधिकार है, तो 36 में हमारा सही जवाब सी हो जाएगा केंद्र के पास। 37 है कि संविधान के प्रस्ताव के अनुसार भारत भारत प्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि, तो 37 में हमारा सही और सटीक आंसर डी है, क्योंकि उसका दायित्व तो है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में के रख रखाव में अपना योगदान दे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, तो 29 में हमारा सही जवाब सी है 1976 का 42वां संविधान संशोधन। 39 से भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य इस विचार के लिए प्रतिपादक है, तो 39 में हमारा सही जवाब जो होगा ए होगा डी बसु, ठीक है ना। 40 है कि संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, तो 40 का आपका सही जवाब डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त तीनों वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 41 है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को प्रेरणा किस देश से ली गई है, समवर्ती सूची वाला, तो 41 में हमारा सही जवाब सी है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है, तो 42 में हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा जेल। 43 है कि भारत में लोकतांत्रिक है ना विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति से दिया, तो 43 में हमारा सही जवाब जो है बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं संयुक्त पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं, तो 44 में हमारा सही जवाब जो है डी हो जाएगा 29। 45 है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कौन सा अनुच्छेद में है ना, अनुच्छेद बताना है, तो यहाँ बी होगा अनुच्छेद 368 में। 46 नंबर क्वेश्चन है कि केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था, तो 46 में आपका सही जवाब ए होगा संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। 47 ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन थे, ऑन लिबर्टी, तो 47 में हमारा सही और सटीक आंसर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा JS मिल, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा था, तो ये रूसो का कहा हुआ है। 49 का सी सही है, 48 का सी सही है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया, तो ये आपका हो जाएगा कानूनी न्याय के लिए किया है। और 50 है निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो 50 में हमारा डी ऑप्शन सही है निश्चित निवास जन्म और सरकारी सेवा, तो इसमें डी हो जाएगा। तो सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और साथियों में शेयर करें, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें। बेस्ट ऑफ योर लक, जय हिंद जय भारत।